हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेकी सेम चैनल की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग LDR के द्वारा वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके कारण हमको पता चले कि अभी LDR पे लाइट पर रहा है या लाइट नहीं पर रहा है। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दिया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग जाने थे कि कैसे हम लोग लाइट सेंसर बना सकते हैं Arduino की मदद से दोस्तों। तो उसमें मैंने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट किया था जो कि 700 था, और अगर उससे वैल्यू कम आता इसका मतलब डार्क है और लाइट को मीन्स LED को ऑफ कर देना है, और अगर उसका वैल्यू 700 से ज़्यादा आता इसका मतलब ब्राइटनेस है और LED को ऑन कर देना है। तो इसी थ्रेशोल्ड वैल्यू को मैंने कैसे कैलकुलेट किया था वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके कारण आप अपनी लाइट कंडीशंस के अनुसार से Arduino को प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसके कारण वो एक प्रॉपर लाइट सेंसर की तरह काम करे। और आगे आने वाली वीडियो मीन्स नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैसे एक डार्क सेंसर बनाए, और आपको उसमें जब कोडिंग का मीन्स आपको तब ये वैल्यू कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ले सकते हैं और उसमें मैं आपको एक पोटेंशियोमीटर ऐड करके दिखाऊंगा, जिसके कारण आप अलग अलग लाइट कंडीशंस के अनुसार से उसको अरेंज कर सकते हैं, और जिसके कारण आपको बार बार उसको कोड करने का ज़रूरत नहीं पड़े दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करते हैं कंपोनेंट को, जिसके कारण हम लोग उसमें कोड डाल सकें और हम लोग मीन्स उसके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें थ्रेशोल्ड वैल्यू को। तो दोस्तों, इस सर्किट का कनेक्शन बिल्कुल ही सिंपल है। आपको एक LDR को वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू Arduino से कनेक्ट कर देना है। तो वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो हम लोग आगे आने वाली वीडियो में जान लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि एक वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट करना है LDR के साथ। तो सबसे पहले हम लोगों को LDR के एक पिन को +5 वोल्ट से ऐड कर देना है, जिसके कारण LDR में +5 वोल्ट आना शुरू हो जाए, और LDR के दूसरे पिन को जिसको हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है उसको एक रेसिस्टर जो कि 100 ओम का है उसके थ्रू आपको ग्राउंड पिन से अटैच कर देना है, जिसके कारण इस LDR में पावर आना शुरू हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट करेंगे। हम लोगों को करना सिंपल ये है कि जो पिन ऑफ LDR मीन्स LDR का वो पिन जिसको हम लोगों ने रेसिस्टर के साथ अटैच किया है, उस पिन को मीन्स जहाँ पे हम लोगों ने अटैच किया है रेसिस्टर के साथ, वहाँ से एक वायर को अटैच कर देना है A0 पिन में, मीन्स Arduino के एनालॉग 0 पिन में। और इस तरीके से ये सिंपल कनेक्शन पूरा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि LDR पे जितना ज़्यादा लाइट पड़ेगा उसका रेसिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना कम लाइट पड़ेगा उतना रेसिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। तो LDR का इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो जब इस पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ेगा तो LDR का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इसके कारण दोस्तों ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज को अपने से पास करेगा, मीन्स कंडक्टर बन जाएगा, मीन्स कंडक्टर के तरह एक्ट करने लगेगा, जिसके कारण जो एनालॉग पिन पे वैल्यू है वो हाई आएगा, और जब ये डार्क में जाएगा तो इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण एनालॉग पे जो वैल्यू है वो लो आएगा, और इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कोड को, जिसके द्वारा हम लोग अलग अलग थ्रेशोल्ड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, कोड का पहला दो लाइन में हम लोग दो वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। पहला वेरिएबल जो है वो LDR का पिन, मीन्स LDR जिस पिन से कनेक्टेड है Arduino का उसको डिक्लेयर किए हैं, और दूसरा वेरिएबल में हम लोग लाइट इंटेंसिटी नाम से एक यूनिक मीन्स लाइट इंटेंसिटी के नाम से एक वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं, जिसका वैल्यू 0 हम लोगों ने सेट किया है, और इसका वैल्यू रन टाइम में अपडेट होगा, और इसी वैल्यू को हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा वैल्यू किस लाइट कंडीशन में दे रहा है दोस्तों। तो पहला दो लाइन में हम लोग जाने कि वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया है दोस्तों। उसके बाद आता है वायर सेटअप, और आप लोग अगर मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वायर सेटअप सिर्फ एक बार सिंगल बार रन होता है, और इसमें इसी में हम लोग कोड का इनिशियलाइजेशन करते हैं, मीन्स जैसे पिन मोड सेट करना, सीरियल
कम्युनिकेशन का बॉड रेट सेट करना। तो यहाँ पे हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन का बॉड रेट सेट किए हैं जो कि है 9600, और ये डिफ़ॉल्ट बॉड रेट होता है आर्डुइनो सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए। मींस जब आप इसमें आर्डुइनो कोड प्रोग्राम कीजिएगा, मींस आर्डुइनो पे आर्डुइनो कोड को बर्न कीजिएगा, तब हम लोगों को जब आर्डुइनो से मींस कम्युनिकेट करना होता है उसका बॉड रेट होता है 9600। और यहाँ पे जो सीरियल डॉट बिगिन मेथड है इसी के द्वारा हम लोग आर्डुइनो के सीरियल मॉनिटर से मींस कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों वॉइड लूप, और आप लोगों को पता होगा कि ये वॉइड लूप कोड हर एक बार में ये लूप कंसेक्यूटिवली चलते रहता है, इसलिए इसका नाम लूप है दोस्तों। इसका पहला लाइन है लाइट इंटेंसिटी वेरिएबल का हम लोग जिसको हम लोग डिक्लेयर किए थे लाइट इंटेंसिटी नाम का वेरिएबल, उसमें हम लोग रन टाइम में वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, उसके वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, और वो वैल्यू जो है वो है एनालॉग रीड LDR पिन। तो एनालॉग रीड एक फंक्शन होता है जो एनालॉग पिन होता है जिसमें हम लोग सेंसर्स को कनेक्ट करते हैं, उसके द्वारा एक वैल्यू आते हैं जो कि 0 से लेके 1023 के बीच में आता है। अलग अलग वोल्टेज जो सप्लाई करता है सेंसर उसी के अनुसार ये एंड्रॉयड मींस आर्डुइनो के अंदर एक इनबिल्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है जो कि उस वोल्टेज को कन्वर्ट करता है 0 से 1023 नंबर के बीच में, और उसको रीड करने का काम मीन्स रीड करने का जो फंक्शन होता है वो होता है एनालॉग रीड। और इसमें जो पैरामीटर हम लोग देते हैं वो होता है वो पिन नंबर, जैसे यहाँ पे LDR पिन जिसमें हम लोगों ने LDR को कनेक्ट किया है वो A0 है, तो वही पिन नंबर हम लोगों को देना होता है, और वो वैल्यू रिटर्न करता है अलग अलग वोल्टेज के अनुसार। तो उस वैल्यू को हम लोगों ने रन टाइम में सेट कर दिया। और उसके बाद एक कोड है दोस्तों जो कि है सीरियल डॉट प्रिंट लाइन। ये कोड का फंक्शन होता है सीरियल मॉनिटर मींस जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं आर्डुइनो सॉफ्टवेयर में, उसमें एक लाइन प्रिंट करना मींस उसमें एक लाइन भेजना, और सीरियल मॉनिटर उसको आपको दिखाएगा। और इसी तरीके से हम अलग अलग लाइट इंटेंसिटी को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइट इंटेंसिटी को सीरियल डॉट प्रिंट लाइन करवा दिया। और उसके बाद एक डीले फंक्शन है जो कि 100 मिलीसेकंड का डीले है, मींस जिसके कारण ये लूप तुरंत नहीं रन हो, कम से कम 100 मिलीसेकंड तक वेट करें जिसके कारण वहां पे जो वैल्यू हो वो 100 मिलीसेकंड के बार बार में दिखे दोस्तों। तो इस तरीके से ये पूरा कोड काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों कोड को लिखने के बाद आप उसको आर्डुइनो बोर्ड पे अपलोड कर दीजिए, और अपलोड करने के बाद आप यहाँ सीरियल मॉनिटर का बटन देख सकते हैं, उस पर आपको क्लिक करना है, और जो सीरियल मॉनिटर है वो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और आपका जो कोड आपने आर्डुइनो पे चढ़ाया है मींस अपलोड किया है वो अलग अलग वैल्यू जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं वो प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों अब आप यहां से अलग अलग वैल्यू अलग अलग लाइट कंडीशंस के अनुसार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको थ्रेशोल्ड की तरह सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, नहीं पसंद आई है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन आएगा दोस्तों उसको भी दबा दीजिएगा जिसके कारण जब भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियो देख सके दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।